दोस्तों नमस्कार, एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मात्रात्मक प्रतिबंधों को बदला जा सकता है तो उच्च आयात टैरिफ द्वारा बदला जा सकता है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार में कोटा एक प्रकार की व्यापार बाधा है तो अंतरराष्ट्रीय है, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकसित देश नहीं है तो भारत विकसित देश नहीं है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासशील देश को भी कहते हैं तो तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, तीसरी दुनिया के देश जो विकासशील देश होते हैं उनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच 30 अक्टूबर 1947 को GATT पर संपन्न हुआ था तो सामान्य समझौता संपन्न हुआ था, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। GATT लागू हुआ था तो 1 जनवरी 1948 में लागू हुआ था, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। GATT समाप्त कर इसके स्थान पर लाया गया था तो WTO लाया गया था, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय है तो ये जिनेवा में है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में WTO के सदस्य देशों की संख्या थी तो 164 देशों की संख्या थी, बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 164, सीज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, WTO का समझौता नहीं है तो कॉस्मेटिक पर समझौता नहीं है, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप्स के तहत प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 प्रकार, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। GI लागू हुआ था तो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद बना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय, डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकी में एकीकृत परिपथ को नाम से जाना जाता है तो सिलिकॉन चिप के नाम से जाना जाता है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने संघ ने अर्थ सुमित का आयोजन किया था तो 1992 में किया था, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ सुमित में सम्मिलित देशों की संख्या थी तो 175 देश थे, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा मार्कंस में संपन्न हुए 11वें दौर चक्रवार्ता पर सहमत को हस्ताक्षर किया गया तो 15 अप्रैल 1994 में, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया का घटक नहीं है तो विक्रय, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधक की सीमा है तो समय है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वेंटरी का प्रबंधन व्यवसाय हेतु महत्वपूर्ण है तो सुचारू रूप से चलाने हेतु, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वेंटरी के प्रकार कितने आधारों पर हैं तो 2 प्रकार हैं, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिस्ट के RS हैं तो 7 हैं, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू चैन शब्द माइकल पोल्टर ने प्रयोग किया था तो 1985 में प्रयोग किया था, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य श्रृंखला के 5 चरण एक कंपनी को लाभ देते हैं तो प्रति
स्पर्धी को देते हैं? सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में आपूर्ति श्रृंखला की प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले कारक हैं तो उपभोक्ता गण हैं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पाद की गुणवत्ता के गुण नहीं हैं तो ग्रहण की असंतुष्टि। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रियाओं पर केंद्रित है तो तीन है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। TQM के लाभ नहीं हैं तो उत्पाद की छवि में कमी लाना। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। TQM का सिद्धांत है तो संप्रेषण है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंचमार्किंग के रूप में तो अंतर्राष्ट्रीय बेमानचिक रणनीतिक बेमार्किंग शैडो बेंच मार्किंग डी सभी। तो डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंच मार्किंग से फायदा है तो गुणवत्ता एवं प्रदर्शन में सुधार। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य स्टार्टअप संख्या में अग्रणी हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों देश ऐसे हैं राज्य जहां पर स्टार्टअप संख्या अग्रणी है। सीज करेक्ट आंसर। स्टार्टअप योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है तो औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा दिया जाता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है तो परियोजना होता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परियोजना उद्देश्यों का सेट है तो एकल होता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। परियोजना की अवधि होती है तो नियत होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। परियोजना की विशेषता नहीं है तो एक व्यक्ति द्वारा कार्यान्वित। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। परियोजना निर्माण के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध अवस्था है तो सात होती हैं। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीकी अवकलन में सम्मिलित हैं तो आवश्यक मानव श्रम। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घटना के पूर्ण होने में हुए विलंब को कहा जाता है तो तैरना कहा जाता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PERT एवं CRM नेटवर्क नियंत्रण तकनीक है जो लाभदायक है नियोजन में, अनुसूचीकरण में, बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, डी सभी में। तो डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। PERT के लाभ हैं तो संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग, परियोजना के नियोजन एवं नियंत्रण में उपयोगी। दोनों ही करेक्ट हो जाएं। ऑप्शन नंबर सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPM के लाभ हैं तो समय, अनुसूची निर्धारण में मदद, अवध जटिल तत्वों की पहचान, डी दोनों। तो डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लांट मशीनरी कंप्यूटर आदि स्थापित करने में उपयोग होता है तो PERT का उपयोग होता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।